बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर कहीं ना कहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के बड़े दिग्गज आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित और प्रचार समिति के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन निर्मल खत्री भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव में कांग्रेस की रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। तो वही शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बैठक की। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाने को लेकर भी चर्चा हुई। विवेक तिवारी हमारे साथ हैं। विवेक, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया राज बब्बर को, सीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित किया गया शीला दीक्षित को, उसके बाद पहली बार मीटिंग होने जा रही है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, दोपहर 12 बजे के आसपास फ्लाइट है जो यहाँ पर लखनऊ में उतरेगी दिल्ली से, और उसके बाद वहाँ से रोड शो करते हुए ये सारे नेता यूपीसीसी यानी कांग्रेस के दफ्तर तक आएंगे। 2-2.5 घंटे माना जा रहा है कि लग जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं को छोटा सा संबोधन होगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें ये सभी जो नई टीम बनी है कांग्रेस पार्टी के अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें कहेगी। और आज शाम को ही काफ़ी सारे नेता वापस दिल्ली लौट जाएंगे, क्योंकि कल से सेशन शुरू हो रहा है, लिहाजा जो सांसद हैं, ज़्यादातर सांसद चाहे प्रमोद तिवारी हों और चाहे राज बब्बर हों, गुलाम नबी आज़ाद हों, ये सारे लोग दिल्ली लौट जाएंगे। उसके बाद फिर लखनऊ में जो नए टीम बनी है उसके एक बैठक होगी, और उस बैठक में कई चीज़ों का खुलासा होगा, कई सारी रणनीति बननी है कि आगे के प्रोग्राम्स क्या होंगे, किस तरह की रैलियां होंगी, ये सारी चीज़ें कुछ दिनों बाद तय होंगी। लेकिन आज चूंकि पहली बार लखनऊ आ रहे हैं ये टीम बनने के बाद, तो लिहाजा कांग्रेसियों में खासा जोश देखा जा रहा है और जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। हालांकि एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर का रास्ता 30-35 मिनट का है, लेकिन ये माना जा रहा है 2-2.5 घंटे इन सभी नेताओं को लग सकते हैं कांग्रेस दफ्तर पहुँचने के लिए। क्या विवेक, इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर से भी देखा जा सकता है? और वहीं क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस ने जिस तरीके से एक महीने के अंदर तेजी दिखाई है, जो स्ट्रैटेजी है वो भी बाकी पार्टियों से बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों को साथ में लेकर चलने की कोशिशों में है, तो वहीं कांग्रेस अगड़ी जाति को अब साधने की कोशिश में है। कहें कि दरअसल जो स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है वो इस तरीके की है कि चौतरफा घेर लिया जाए। देखिए, कोशिश यही है, हाँ, जैसा कि आपने बताया कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शीला दीक्षित को आगे किया गया है मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर। इसका कितना फ़ायदा मिलता है, कितना ब्राह्मणों को वो जोड़ पाती है, ये देखना होगा। लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सभी जातियों को लोगों को इस टीम में जगह दी गई है और सभी क्षेत्रों के लोगों को इस टीम में जगह दी गई है, चाहे वो पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, सभी जगह के नेताओं को जिम्मेदारी कुछ ना कुछ दी गई है। तो पूरी कोशिश कांग्रेस की है पूरी उत्तर प्रदेश को समेटा जाए, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को समेटा जाए। तो ये पूरी टीम जो बनी है जाति समीकरणों के आधार पर बनी है और क्षेत्रीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। अब ये लोग किस तरह से प्रचार करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लोगों को जोड़ पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जो कोशिश की गई है इस टीम को बनाने में, उसका मकसद यही है कि सभी क्षेत्र और सभी जातियों को लोगों को इस टीम में जगह दी जाए। चलिए विवेक, अपडेट हम आपसे लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।